24 घंटों से हो रही बारिश ने मचाया हाहाकार। राज्य के बड़े शहर भी बारिश के इस कहर से बचने में नाकाम रहे। सूरत में हो रही बारिश के चलते तापी नदी उफान पर है। आपको बता दें कि मौसम विभाग के मुताबिक पूरे राज्य में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। सूरत शहर की हालत बेहद नासाज है। रोजमर्रा के जीवन पर तो जैसे ब्रेक लग गया हो। तस्वीरों में देखिए कैसे लोगों के घुटनों तक पानी है और सड़कें तो जैसे तालाब बन गई हैं। स्थानीय लोग अपने बच्चों को कंधों पर बिठाकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हुए नजर आ रहे हैं। मंजर इतना बुरा है कि ऑटो रिक्शा को धक्के मारकर पानी से बाहर निकाला जा रहा है और दूसरी तरफ शहर में हर जगह वाहन पानी में डूबे दिख रहे हैं। मध्य प्रदेश में हो रही भारी बारिश के चलते गुजरात की सभी नदियां उफान पर है। हम इस वक्त खड़े हैं सूरत का ये रेवा नगर इलाका है और ये जो आप देख रहे हैं पानी, ये तापी नदी का पानी है जो इन दिनों उफान पर चल रही है क्योंकि लगातार उकाई बांध से जो है पानी इसमें छोड़ा जा रहा है। फिलहाल करीबन पौने 2 लाख क्यूसेक पानी इसमें छोड़ा जा रहा है, जिसके चलते जो सूरत के निचले इलाके हैं, जो लो लेवल के एरिया है, वहाँ पर इसी तरह से पानी भर गया है। और ये इस रेवा नगर इलाके से जहाँ तक मैं बताऊँ कि यहाँ पुलिस के लोग और सूरत महानगर पालिका के लोग लगातार यहाँ से लोगों को बाहर निकाल रहे हैं, दूसरी जगह शिफ्ट कर रहे हैं। अब तक अगर जानकारी मिली जिसके हिसाब से करीबन 50 घरों को यहाँ से खाली करवाया, जिसमें करीबन 200 से 300 लोगों को शिफ्ट करने की बात कही गई है। किसी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो और कहीं कोई जान माल का ज़्यादा नुकसान ना हो, इसे देखते हुए प्रशासन यहाँ पर जो लो लेवल के इलाके हैं वहाँ से लोगों को शिफ्ट करने का काम कर रहा है। सूरत में बढ़ती परेशानियों पर प्रशासन न जाने कब सख्त कार्रवाई करेगा। सूरत शहर में हुई बारिश से लो लाइन इलाके के लोग काफी परेशान हैं। भारी मात्रा में बारिश होने के बाद इस शहर की स्थिति न जाने कब सामान्य होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुजरात तक।